हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्टी इंडियन फूड। तो आज हम लोग जन्माष्टमी स्पेशल मूंग दाल का हलवा बनाने जा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा। तो हम लोगों ने यहाँ 1 कप मूंग दाल ले लिया है। अब इसमें हम लोग 2 कप पानी डाल देंगे और इसे 1 घंटा भिगोने के लिए रख देंगे। तो 1 घंटा बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, दाल सॉफ्ट हो चुका है और फूल चुका है। तो अभी हम लोग एक स्ट्रेनर के हेल्प से जो पानी है उसे हम लोग छान लेंगे अच्छे से। अभी एक कढ़ाई में हम लोग 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो जाने के बाद हम लोग इसमें हमारा मूंग दाल ऐड कर देंगे। अभी इस दाल को हम लोग 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे एकदम लो फ्लेम में। अब 7 मिनट बाद हमारा दाल रेडी हो चुका है। अब इसे ठंडा करके हम लोग एक ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने दाल को पीस लिया है अच्छे से। अब एक कढ़ाई में हम लोग 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो जाने के बाद हम लोग इसमें 4 इलायची, 6 लौंग और 1 छोटा दालचीनी ऐड कर देंगे। अभी हम लोग इसमें हमारा पिसी हुई दाल ऐड कर देंगे। अभी इस पिसी हुई दाल को हम लोग 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दाल अच्छे से भून चुकी है। तो इसमें अब हम लोग 500 ml दूध ऐड कर देंगे। अभी गैस को लो फ्लेम में रखते हुए धीरे धीरे चलाते हुए इसे पका लेंगे। बीच बीच में हम लोग इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। अभी इसमें हम लोग 1/2 कप मावा ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। अभी हम लोग इसमें 1 टीस्पून फूड कलर ऐड कर देंगे। ये पूरा ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कीजिए और अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। लो फ्लेम में हम लोग इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए और अच्छे से पक भी जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हलवा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें 1/2 कप चीनी ऐड कर देंगे। अभी हम लोग इसमें चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे लो फ्लेम में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा गर्मा गर्म हलवा रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।